हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल कैन हियर मी। ओके, चलो, हाउ आर यू ऑल डूइंग? सो हम फिर से लॉ क्लासेस लेना स्टार्ट कर रहे हैं। सॉरी फॉर बीइंग डिलेइंग सो मच। सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। एंड व्हाई एम आई स्टार्टिंग पार्टनरशिप एंड नॉट एलएलपी? दैट इज बिकॉज एलएलपी में, अगर आपको एलएलपी समझना है तो उसके पहले आपको पार्टनरशिप समझना पड़ेगा, बिकॉज एलएलपी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कंपनी एंड अ पार्टनरशिप। ओके, so before starting LLP I thought of completing partnership, and after that the last chapter which we have, जो हमारा last chapter है LLP, we will be doing that। okay, I hope that's okay। so let's start with the partnership act। बहुत ही interesting है, बहुत ही easy है, and इससे around 10 marks आपका कहीं नहीं है, 10 to 15 marks। so please pay attention to whatever you are studying, and सारे notes available है। जिसने भी मेरा telegram channel join नहीं किया है, kindly join the channel below, given the link given below, and आप वो join कर लीजिए, and ताकि आपको सारे notes easily मिल जाए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन नाउ। लेट्स स्टार्ट विद अ पार्टनरशिप एक्ट। ओके, सो व्हाट इज अ पार्टनरशिप एक्ट एवरीवन? पार्टनरशिप एक्ट होता क्या है, ये क्या चीज है, ये कैसे करते हैं, आपको थोड़ा आइडिया तो ऑफकोर्स होगा ही, बट स्टिल लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड। ओके, सो देखो, पार्टनरशिप क्या होता है, यू ऑल नो, आपको आइडिया है कि अगर जब कोई दो जने मिलके, मतलब दो या दो से ज्यादा जन अगर मिलते हैं, ज्यादा लोग मिलते हैं, और वो लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसको हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। इन अ लेमैन लैंग्वेज आपको इतना पता है कि पार्टनरशिप होता क्या है। जब दो जन मिलके कोई काम स्टार्ट करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं, ठीक है ना, ये आपको पता है। बट एज पर द लॉ, आपके लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे, तो पार्टनरशिप में बहुत सारी फीचर्स है, बहुत सारी डिटेल्स है जो आपको देखना है। उसके बेसिस पे ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या वो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है या नहीं है। क्लियर? सो लेट्स सी, आपका जो जो डिटेल्स दिया हुआ है उसको एक बार हम देख लेते हैं जल्दी से। सो व्हाट इज अ पार्टनरशिप? ओके, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा टू अंडरस्टैंड पार्टनरशिप। आई हैव कम विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस कंपाइल करके लेके आई हूं, ताकि आपका ये जो बेसिक कंसेप्ट है पार्टनरशिप को लेके, वो कंप्लीटली दूर हो जाए, अच्छे से समझ आ जाए। सो ये आपका पार्टनरशिप एक्ट जो है ना, ये आया कब, कैसे आया ये, कैसे आया ये? आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था, विच यू ऑल नो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था, राइट? यह आपने पढ़ा है। इसी का पार्ट था आपका पार्टनरशिप, क्या था आपका पार्टनरशिप एक्ट, इसी का हिस्सा था, यह भी आपको पता है। और इसी का हिस्सा था आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, राइट? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब बन चुका था? यह बन चुका था 1872 में, राइट? 1872 में ये बन गया था। लेकिन हुआ क्या कि ये जो एक्ट था, ये इतना ज्यादा स्ट्रेच था, इतना ज्यादा लंबा हो गया था, तो लॉ मेकर्स ने सोचा क्यों ना हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट को और पार्टनरशिप को अलग अलग कर देते हैं, इनका एक सेपरेट एक्ट बना देते हैं, ठीक है ना। तो हुआ क्या, ऑन फर्स्ट अक्टूबर 1932 दे जस्ट केम अप विथ अ न्यू एक्ट, जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप एक्ट। लेकिन बेसिकली पार्टनरशिप एक्ट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है ना। इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही लिया गया है और फिर इसको बनाया गया है, और कोई डिफरेंस इसमें है नहीं, ठीक है ना। बिकॉज वाई इज इट अ पार्ट ऑफ अ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? बिकॉज सी, जब आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे, आपने क्या पढ़ा था, दो लोग मिलते हैं, मिलके एक अग्रीमेंट साइन करते हैं, एंड दे डू सम काइंड ऑफ अ बिजनेस और ट्रांजैक्शंस जो भी वो करते हैं, राइट? सिमिलरली जब आपका पार्टनरशिप होता है, पार्टनरशिप में भी दो या दो से ज्यादा लोग मिलते हैं, दे डू एन अग्रीमेंट एंड देन दे कम इन टू अ पार्टनरशिप। तो हुआ ना ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा, समझ में आया आपको? सो इसीलिए दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स इट। इतना आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन फर्दर नाउ। अब आगे क्या है, आपके पार्टनरशिप एक्ट में आपको ज्यादा कुछ जानना नहीं है कि शेड्यूल्स एंड वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें आपको नहीं करनी। आपको मेन चीज में क्या फोकस करना है कि पार्टनरशिप होता क्या है। तो प्लीज यहां देखो, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, नंबर वन, इट इज अ रिलेशन। क्या रिलेशन, बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, इन डिटेल्स वी आर गोइंग टू सी दैट, अभी के लिए छोड़ो।
इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस. नाउ व्हाट पर्सन आर वी टॉकिंग अबाउट, ये भी हम डिटेल में करेंगे, पहले मेरे को समझाने दो. इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आपका जो पार्टनरशिप का 30%, मैं 30 क्या 40 मान लीजिए, 40% ऑफ द चैप्टर इस डेफिनेशन में कवर किया गया है. दिस डेफिनेशन कवर्स अराउंड 40% ऑफ योर चैप्टर. नाउ प्लीज सी हियर, मैंने क्या बोला, इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर्सन. पर्सन का मतलब होता है टू और मोर पर्सन. पहला बात तो ये तो आपको पता है, टू और मोर पर्सन. अब ये पर्सन हुआ कौन, इज इट एन इंडिविजुअल, इज इट अ कंपनी, इज इट अ पार्टनरशिप फर्म, कौन होता है ये. एनी पर्सन, एनी वन, आर्टिफिशियल भी हो सकता है एंड नेचुरल भी हो सकता है, बट मस्ट हैव अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी. क्या होना चाहिए, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होना चाहिए. क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई. तो पर्सन से आप क्या समझते हो, कोई भी इंसान, कोई भी, या तो वो नेचुरल हो सकता है, नेचुरल पर्सन मतलब हम आप जो हम लोग नेचुरली बॉर्न होते हैं, या फिर आर्टिफिशियल जिनको लॉ क्रिएट करता है, या तो वो आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है और या तो वो आपका नेचुरल पर्सन हो सकता है. राइट, इतना समझ में आया. अब आप बोलोगे मैम एग्जाम्पल समझा दीजिए थोड़ा सा, तो प्लीज यहां पे सुनिए. ओके, नाउ When I talk about natural person or artificial person, what am I saying? Please यहां पे attention करना. यहां देखो, suppose for example I am talking to you about number one चीज क्या बोल रही हूं मैं. अगर suppose one individual है, एक individual है, आप, मैं, A, ठीक है, उसको partnership में आना है with another individual. एक और individual है suppose B, ठीक है ना. कैन दे कम इन टू अ पार्टनरशिप. दोनों मेजर है. कौन है, मेजर. मेजर क्यों लिख रही हूं, इंपॉर्टेंट है, माइनर नहीं, दोनों मेजर है. कैन दे कम इन टू अ पार्टनरशिप, यस दे कैन कम इन टू अ पार्टनरशिप. क्यों आ सकते हैं, बिकॉज बोथ आर नेचुरल पर्सन. दोनों आपका नेचुरल पर्सन है और दोनों का क्या है, सेपरेट आइडेंटिटी है. सेपरेट आइडेंटिटी है ना, दोनों का सेपरेट आइडेंटिटी है. तो दोनों आपका कैन कम, कैन फॉर्म अ पार्टनरशिप, यह आपका पार्टनरशिप फॉर्म कर सकता है. क्लियर, समझ में आया. एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लीज सुनना. अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका एक पार्टनरशिप फर्म है. क्या है, आपका एक पार्टनरशिप फर्म है, सुनना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका एक पार्टनरशिप फर्म है, इट इज कमिंग इन टू अ पार्टनरशिप विथ अनदर पार्टनरशिप फर्म. ये एक और पार्टनरशिप फर्म के साथ पार्टनरशिप करना चाहता है, कैन दे डू, क्या ये कर सकता है क्या. नो, cannot come into a partnership with cannot form partnership. क्यों नहीं कर सकता, cannot form partnership क्यों नहीं कर सकता, because very important, ये आपका partnership firm company नहीं है. कंपनी का जैसे हमने पढ़ा था कि इसका एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होता है, वैसे ही आपका पार्टनरशिप फर्म का कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होता. नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होता. तो इसीलिए ये एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप फर्म में एंटर नहीं कर सकते. क्या आपको इतना समझ में आ गया, ये एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप फर्म में एंटर नहीं कर सकते. क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पूछती हूं. यहां पे देखना, अगर सपोज एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, प्लस एक कंपनी है, दे बोथ वांट्स टू मेक अ पार्टनरशिप फर्म. इन दोनों को एक पार्टनरशिप फर्म करना है, दोनों को मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करना है. कैन दे डू, नो, ये भी नहीं कर सकता. नो, कैन नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म, ये नहीं फॉर्म कर सकता. क्यों,
नहीं फॉर्म कर सकता. क्यों? बिकॉज कंपनी का एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है. कंपनी का है, कंपनी का खुद का एक इंडिविजुअलिटी है, ये एक नेचुरल नहीं आर्टिफिशियल पर्सन है. लेकिन आपका पार्टनरशिप फर्म का कोई भी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं है. तो कंपनी तो सही था लेकिन ये आपका गलत है, इसीलिए इट कैन नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म. मेरी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट वन. नेक्स्ट, अगर सपोज पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म ए, एक पार्टनरशिप फर्म है ए, उसका पार्टनर्स एंड पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म बी, एक दूसरा पार्टनरशिप फर्म है बी, क्या ये दोनों पार्टनरशिप कर सकते हैं क्या? यस, ऑफ कोर्स दे कैन. यस दे कैन, दे कैन. क्यों कर सकते हैं? बिकॉज हम पार्टनर्स का बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्टनर्स. ये इनका एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, दे आर नेचुरल पर्सन, ये नेचुरल पर्सन है. तो ये दोनों अगर चाहे तो मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं. समझ में आ गया? तो इसीलिए मैंने कहा कि इस डेफिनेशन को अच्छे से समझना पड़ेगा, हम इस डेफिनेशन को लाइटली नहीं ले सकते. तो मैंने क्या कहा, इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस. तो पर्संस का मतलब आपको समझ में आ गया कि पर्सन से क्या क्या मीन करती हूं? दो और मोर पर्सन, वो आर्टिफिशियल हो सकते हैं, वो नेचुरल हो सकते हैं, बट दे हैव टू हैव अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी. वो कौन हो सकते हैं? वो आपकी कंपनीज हो सकती है, वो इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, ऐसा कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है जिसका सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है. समझ में आया? क्लियर? हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, जिन्होंने अग्री किया है टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस. इसका मतलब क्या हुआ? हु हैव अग्रीड, अब अग्रीड का फॉर्म का मतलब समझाती हूं आपको. अग्रीड का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, एक एक वर्ड को समझा रही हूं, प्लीज अच्छे से पे अटेंशन कीजिए. नाउ व्हाट एम आई टॉकिंग, यहां पे मैं अग्रीड का मतलब क्या बता रही हूं? व्हाट इज अग्रीड? अग्रीड टू फॉर्म अ बिजनेस. आपको मैंने HUF पढ़ाया था, रिमेंबर? HUF में मैंने क्या बोला था, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, वंस द चाइल्ड इज बॉर्न, ऑटोमेटिकली इनवॉलेंटरीली वो क्या होता है, इनवॉलेंटरीली वो HUF का पार्ट बन जाता है. इनवॉलेंटरीली वो HUF का पार्ट बन जाता है. लेकिन व्हेन आई टॉक अबाउट पार्टनरशिप, नो, जब हम पार्टनरशिप फॉर्म का बात करते हैं तो क्या वो इनवॉलेंटरीली पार्टनरशिप का फॉर्म बन जाते हैं? नो, दैट डजेंट हैपन. आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको वॉलेंटरीली कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा टू फॉर्म अ पार्टनरशिप एक्ट, टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म. आपको वॉलंटरीली कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना पड़ेगा, मतलब देयर हैज टू बी एन अग्रीमेंट. आपका एक अग्रीमेंट होना पड़ेगा, वो नेचुरली नहीं होगा, कोई लॉ क्रिएट नहीं करेगा. आपको खुद को वॉलंटरीली एक कॉन्ट्रैक्ट, एक अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा और उसके तहत ही आप पार्टनरशिप कर सकते हो. मतलब आप अपनी मर्जी से जब आना चाहते हो तभी आप आ सकते हो, एक पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट कर सकते हो फॉर्म, लेकिन उसके अलावा आप नहीं कर सकते. मतलब द अग्रीमेंट हैज टू बी कॉन्ट्रैक्चुअल. तो क्या होगा, the agreement has to be contractual and not by operation of law. में नहीं, जैसे कि HUF में होता है, जैसे आपका HUF में होता है वैसा नहीं चलेगा. आपको खुद से अग्री करके एक अग्रीमेंट फॉर्म करना है, कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, और तभी आपका पार्टनरशिप स्टार्ट होगा. समझ में आया ना? तो एकदम डिटेल में आपको बताऊंगी क्यों मैं इतना डिटेल में समझा रही हूँ, डोंट वरी. लेकिन अभी तक समझ में आया ना? तो देखो वापस से रीड कर रही हूं. पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड, बराबर, पर्सन भी समझ में आ गया, अग्रीड भी समझ में आ गया, टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस. नाउ व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट, कि शेयर करना. शेयर का मतलब क्या हो गया, प्लीज सुनना, शेयर का मतलब क्या हो गया एवरीवन? अब जब मैं बात कर रही हूं शेयर का, व्हाट एम आई डूइंग, जब मैं बात कर रही हूं शेयर का, व्हाट एम आई डूइंग, मैं बोल रही हूं कि आपने एक पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट किया है किसी के साथ. क्या ऐसा हो सकता है क्या? सपोज फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है? सपोज आपका कोई बिजनेस है, यू आर डूइंग अ बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग अ
सपोज आप क्राफ्ट्स बनाते हो, सपोज आप कोई हैंडमेड आइटम का बिजनेस करते हो, हैंडमेड क्राफ्ट्स का बिजनेस करते हो, ठीक है ना, हैंडमेड क्राफ्ट का बिजनेस करते हो एंड यू मेक अ लॉट ऑफ, यू मेक क्राफ्ट्स एंड यू सेल, तभी आपके पास कौन आया, ये आपका ए है, ए करता है, तभी आपके पास बी आता है और बी बोलता है कि आई विल सेल योर क्राफ्ट्स, मैं आपके क्राफ्ट्स को बेचूंगा, मैं जगह जगह जाके बेचूंगा और मेरे को आप क्या दोगे, आप मेरे को कमीशन दोगे, क्या दोगे, कमीशन दोगे, कमीशन ऑफ रुपीज ऑफ 10% ऑन ईच सेल, ऑन ईच सेल, मेरी बात समझ में आ गई आपको, मैंने कहा हैंडमेड क्राफ्ट्स मैं बनाती हूँ, बी आता है बोलता है मैं आपके क्राफ्ट्स को सेल करूंगा और आप मुझे कमीशन दोगे 10% ऑन सेल, व्हाट एम आई डूइंग, आई एम शेयरिंग माय प्रॉफिट, क्या एम आई शेयरिंग माय प्रॉफिट, यस आई एम शेयरिंग द प्रॉफिट, मैं प्रॉफिट शेयर कर रही हूँ, कर रही हूँ ना, लेकिन क्या ये प्रॉफिट जो मैं शेयर कर रही हूँ क्या ये म्यूचुअल है, क्या म्यूचुअल है, क्या मतलब कि बेनिफिट तो सिर्फ ये ले रहा है ना, क्या लॉसेस भी मैं शेयर कर रही हूँ, एम आई शेयरिंग द लॉसेस एज वेल, एम आई शेयरिंग द लॉसेज एज वेल, नो आई एम नॉट शेयरिंग द लॉसेज, आई एम ओनली टेलिंग हिम कि अगर तुमने बेचा तो तुमको मैं 10% का कमीशन दूंगी, तो क्या ये मेरा पार्टनरशिप है, क्या इज दिस अ पार्टनरशिप, इज इट एनी काइंड ऑफ अ पार्टनरशिप, नो दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप, ये आपका पार्टनरशिप नहीं है, नॉट अ पार्टनरशिप, ये आपका पार्टनरशिप नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज यहां पे आपने म्यूचुअली मतलब ये भी कुछ बेनिफिट्स दे, ये भी कुछ बेनिफिट्स दे, दोनों मिलके बेनिफिट्स एक दूसरे को दे या मिलके एक दूसरे का लॉसेस शेयर करे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, अगर लॉस हुआ तो ए का, अगर प्रॉफिट हुआ, अगर सेल हुआ तो उसमें से इसको कमीशन मिल जाएंगे, अगर सेल नहीं हुआ तो बनाने का खर्चा एक्सपेंसेस सारा किसका, एक्सपेंसेस सारा ए का, राइट, बी ने तो कोई एक्सपेंसेस नहीं लिया, तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन को हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे, बिकॉज इट इज नॉट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, इट इज नॉट जस्ट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, तो क्या हम बोल सकते हैं कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो आपका, क्या हम बोल सकते हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जो होता है इट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस, तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस, ये आपका कंक्लूसिव एविडेंस नहीं माना गया है, राइट ठीक है ना, इसका हम इतना बोल सकते हैं कि अगर आप सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट देखोगे तो वो नहीं माना जाएगा, नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस, कंक्लूसिवली आप डिसाइड नहीं कर सकते जस्ट बाय सीइंग कि उसने शेयर किया है प्रॉफिट को, सिर्फ उसको देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते कि उसने पार्टनरशिप किया है, ठीक है ना, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि लॉसेस भी है कि नहीं है, एक्सपेंसेस वो बेयर कर रहा है कि नहीं है, कर रहा है, दोनों जन मिलके कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, म्यूचुअल अग्रीमेंट है या नहीं है, वो तो सिर्फ कमीशन ले रहा है, ही इज जस्ट टेकिंग अ कमीशन, ही इज टेकिंग अ पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट, बट वहां पे कोई म्यूचुअली अग्रीमेंट नहीं है टू शेयर द लॉसेज एंड शेयर द एक्सपेंसेज ऑल्सो, तो नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप, यह आपका पार्टनरशिप का कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता है, क्लियर समझ में आया, तो टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या होना चाहिए, क्या बिजनेस होना चाहिए, यस yes. अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल आप और आपके दोस्त मिलके कहीं जा रहे हो तो आप दोनों एक पार्टनर बन के जा रहे हो राइट तो क्या उसको पार्टनरशिप कहेंगे, नहीं कहेंगे, अगर सपोज मैं और मेरा कोई फ्रेंड मिलके आपको ट्यूशन्स दे रहा है, हमने कुछ डिसाइड नहीं किया, कभी मैं क्लासेस ले लेती हूँ, कभी वो क्लासेस ले लेता है, ऐसे करके हम कर रहे हैं, तो क्या उसको हम पार्टनरशिप कहेंगे, नहीं, हम पार्टनरशिप कब कहेंगे, व्हेन देयर इज सम काइंड ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस मतलब कोई भी जरिया, कोई भी जरिया जिससे आपका प्रॉफिट आ रहा हो, जिससे आपकी कमाई हो रही हो, ऐसा कोई भी बिजनेस, ट्रेड, प्रोफेशन, कुछ भी मान लीजिए, अगर आप कोई भी ऐसा अग्रीमेंट में आते हो जहां पे आप ऐसा कोई भी ट्रेड, बिजनेस, प्रोफेशन करते हो जिसमें आप कुछ कमा रहे हो, जिसमें आप कोई प्रॉफिट कमा रहे हो, तभी हम उसको बिजनेस कहेंगे, मेरी बात समझ में आ गई, सपोज फॉर एग्जाम्पल आप कुछ चैरिटी कर रहे हो, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चैरिटी किया है, ठीक है, एक और लेते हैं यहां पे, सपोज फॉर एग्जाम्पल बिजनेस का समझा रही हूं मैं आपको, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका ए और बी है, दोनों मिलके एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन ओपन करते हैं, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, राइट, ठीक है ना, एंड यहां पे आपका नो प्रॉफिट्स, कोई प्रॉफिट्स कमाई नहीं होता,
नो मनी, कोई मनी अर्न नहीं होता, कोई मनी अर्न नहीं होता, ठीक है ना। तो क्या हम इसको पार्टनरशिप कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे, नो पार्टनरशिप, ठीक है ना, दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप। लेकिन अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी है, कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी है, सपोज फॉर एग्जाम्पल इट इज अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इट इज अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, बट देर इज अ प्रॉफिट, प्रॉफिट्स आर अर्नड एंड शेयर्ड, प्रॉफिट आपका अर्न होता है और शेयर होता है, तो क्या इसको हम कहेंगे पार्टनरशिप? यस, यस इट इज अ पार्टनरशिप, तो इसको हम पार्टनरशिप कहेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? तो इसको हम एक्चुअल में पार्टनरशिप कहेंगे। तो मेन चीज क्या देखना है, क्या आपका मेन मोटिव क्या है, क्या आपकी कमाई हो रही है? हाँ हो रही है। क्या आप उसको शेयर कर रहे हो? हाँ कर रहे हो, बस बात खत्म, वो आपका बिजनेस है और हम उसको पार्टनरशिप कहेंगे। क्लियर, समझ में आ गया उस पॉइंट ऑफ व्यू में? क्लियर। तो ये सारे पॉइंट्स, रिलेशन, बिजनेस अग्रीमेंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स और बिजनेस, ये आपका ओवर, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इतना इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए कि इतना इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए कि क्या बताऊं, ये आपका कहता है म्यूचुअल एजेंसी। ये क्या है? दिस इज योर म्यूचुअल एजेंसी। हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम म्यूचुअल एजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्लीज यहां देखो, प्लीज यहां देखो ना, आपको दो तीन बातें समझाऊंगी। What is mutual agency? Suppose for example, बहुत clearly समझाऊंगी, एकदम ध्यान से सुनना। Suppose for example, there are four friends, ठीक है? वो four friends कौन-कौन है? A है, B है, C है, D है, ठीक है? ये four friends का business है, they are doing a business together of real estate. किसका business कर रहे हैं? Real estate का business कर रहे हैं, ठीक है ना? अब हुआ क्या? अब होता क्या है, रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं तो ए के पास एक कॉन्ट्रैक्ट आया, टू बिल्ड अ रेस्टोरेंट फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, एक रेस्टोरेंट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट आया, ठीक है, दे आर बिल्डर्स, रियल एस्टेट का काम करते हैं। तो ए ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। तो अभी जो ए ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया है, क्या ये ए का कमाई होगा अकेले का? नहीं ना, वो किसके बिहाफ में भी कर रहा है। क्या ए इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ बी सी डी एज वेल, ए सबके बदले में काम कर रहा है, इजंट इट। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये सबका हुआ ना, तो इसी को बोलते हैं जब एक इंसान या सारे इंसान काम करते हैं, लेकिन तुम कैसे भी काम करो, तुम एक दूसरे के लिए काम कर रहे हो। मतलब अगर ए के पास भी कॉन्ट्रैक्ट आता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बी का भी होता है, सी का भी होता है, डी का भी होता है, मतलब ओवरऑल ये पूरे फर्म का होता है, तो उसको हम कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। क्या कहते हैं? म्यूचुअल एजेंसी। मेरी बात समझ में आ गई? अब सपोज फॉर एग्जाम्पल बी के पास फिर एक और प्रोजेक्ट आया, बी के पास अनदर प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट टू आया, तो क्या इस केस में क्या हो गया? बी विल बी एन एजेंट, बी आपका एजेंट हो गया और ए सी और डी आपका प्रिंसिपल हो गया, है ना, ये तीनों आपके प्रिंसिपल हो गए, राइट। तो ये एजेंट की तरह काम कर रहा है फॉर ऑल ऑफ देम। सिमिलरली अगर सी के पास एक और कॉन्ट्रैक्ट आता है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट थ्री नंबर थर्ड आता है, तो इस केस में सी आपका एजेंट हो जाएगा और बाकी सब आपके प्रिंसिपल हो जाएंगे, राइट। तो सी किसके बिहाफ में काम कर रहा है? बाकी तीनों के बिहाफ में काम कर रहा है। तो पार्टनरशिप फर्म में ना आपका एक अग्रीमेंट होता है जिसमें आपका म्यूचुअल एजेंसी डिसाइड किया जाता है। देखो एजेंट और एजेंसी में डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एजेंट एंड एजेंसी। कैसे? देखो व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट, जब मैं एक मैन्युफैक्चरर है, देखो यहां पे एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है ना, ये मैन्युफैक्चरर बनाता है क्लोथ्स, ठीक है ना, और ये क्लोथ सेल करता है एक एजेंट, सेल बाय एन एजेंट, सोल्ड बाय एन एजेंट, एक एजेंट उसको सेल करता है, ठीक है, ये एजेंट है और एजेंट को बदले में क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। क्या मिलता है? कमीशन ऑफ 10%। सो इस केस में आपका म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, इस केस में देयर एग्जिस्ट ओनली एजेंसी एग्जिस्ट करता है। मतलब कि यहां पे जो ये बी है, बी इज एन एजेंट ऑफ मैन्युफैक्चरर, बी आपका मैन्युफैक्चरर का एजेंट है, लेकिन क्या मैन्युफैक्चरर बी का एजेंट है क्या? बट मैन्युफैक्चरर इज नॉट एन एजेंट ऑफ बी,
मैन्युफैक्चरर आपका बी का एजेंट नहीं है, मेरी बात समझ में आ गई? तो इस केस में सिर्फ एजेंसी काम करती है, म्यूचुअल एजेंसी काम नहीं करती। एक और एग्जांपल देखो। लेकिन अगर यही मैं बात करूं, यहां पे आपका एक मैन्युफैक्चरर, एक आपका ए है, ठीक है ना, ए यहां पे क्लोथ्स का शॉप है और यहां पे प्लस बी है, बी का भी क्लोथ्स का काम है, दोनों मिलके क्या करते हैं, एक पार्टनरशिप में आते हैं, अब अगर ए सेल करता है तो ये क्या कर रहा है, एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर बी। और अगर बी सेल करता है, बी अगर क्लोथ सेल करता है, तो बी भी एक्ट्स एज एन एजेंट फॉर ए। मतलब दोनों एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, कोई किसी का एजेंट, कोई किसी का प्रिंसिपल, ऐसा नहीं है पर्टिकुलर, दोनों एक दूसरे के एजेंट है, दोनों ही एक दूसरे के प्रिंसिपल है। तो ऐसे केसेस में म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट करता है। क्या एग्जिस्ट करता है? म्यूचुअल एजेंसी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ऐसे केसेस में आपका म्यूचुअल एजेंसी काम करता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया, एजेंसी और म्यूचुअल एजेंसी? तो पार्टनरशिप फर्म में आपका म्यूचुअल एजेंसी होता है। क्या होता है? म्यूचुअल एजेंसी होता है, मतलब कि कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब कि सबको एक दूसरे के एजेंट है, सबको एक दूसरे के पार्टनर्स है। बराबर समझ में आया आपको? एक छोटा सा एक और चीज मैं आपको बताती हूं, प्लीज यहां देखना। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका ए बी सी एंड डी है, दे आर इनटू अ पार्टनरशिप फर्म। किसमें? पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। किसका पार्टनरशिप फर्म है? एक रियल एस्टेट का बिजनेस है। इनका क्या बिजनेस है? रियल एस्टेट का, ठीक है ना, रियल एस्टेट का बिजनेस है। नाउ अगर सपोज ए ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, प्लीज सुनना अच्छे से, ए ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ऑन फर्म्स नेम, किसका नाम पे? फर्म का नेम पे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस इज, यू हैव टू पे अटेंशन टू दिस। ए ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ऑन द फर्म्स नेम, ठीक है, और काम क्या था, वर्क क्या था, कॉन्ट्रैक्ट क्या था? कॉन्ट्रैक्ट था ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट था आपका बिल्डिंग बनाने का, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस था, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट था बिजनेस बनाने का। अब हुआ क्या, वहां पे कुछ लॉसेस हो गए, क्या हो गए, लॉसेस इनकर हो गए, ठीक है ना। अब ये लॉसेस कौन बेयर करेगा? हु विल बेयर द लॉस, है ना, ए बेयर करेगा या ऑल बेयर करेगा? तो आपका आंसर होना चाहिए ऑल। क्या होना चाहिए? सारे मिलके बेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, फर्म का नेम पे था, बिजनेस जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया था वो किसका नाम पे था, फर्म का नाम पे था, और जो काम था वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस था, मतलब कि एक रेस्टोरेंट बनाना था, रियल एस्टेट का काम था, एक रेस्टोरेंट बनाना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे लॉसेस अगर इनकर हो जाते हैं तो वो बेयर कौन करेगा? वो सारे मिलके बेयर करेंगे, नॉट जस्ट ए। मेरी बात समझ में आ गई? सारे मिलके उसको बेयर करेंगे। क्लियर? अनदर एग्जाम्पल, जल्दी से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मैं क्यों इतना डिटेल में समझा रही हूं, आपको समझ में सब आ जाएगा। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल ए बी सी एंड डी है, सब मिलके एक पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं, एक रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं। किसका बिजनेस? रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं, और इनका पार्टनरशिप फॉर्म है। क्या है? पार्टनरशिप फॉर्म है। क्लियर? अब होता क्या, ध्यान से सुनना। ये जो ए है, ए कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया इसने, ठीक है, इन द नेम ऑफ फर्म, फर्म के नाम पे ही साइन किया, और वर्क क्या था, कॉन्ट्रैक्ट क्या था, कॉन्ट्रैक्ट था कि हम क्या करेंगे, हम कार सेल करेंगे, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनना, अब इस सेलिंग में इसका कोई लॉसेस इनकर हो गया, लॉसेस इनकर हो जाता है, तो अब बताओ हु विल बेयर द लॉस। लॉस कौन बेयर करेगा? ए बेयर करेगा या ऑल बेयर करेंगे? कौन बेयर करेगा? तो आपका आंसर होना चाहिए कि सिर्फ ए बेयर करेगा। कौन? ए। क्यों?
क्यों ए बेयर करेगा? बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट हियर वॉज नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस. आपका बिजनेस क्या था? आपका बिजनेस था रियल इस्टेट का, लेकिन आपने किया क्या? आपने कार का बिजनेस स्टार्ट कर दिया. नॉट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, तो इसीलिए आपका लॉस कौन बेयर करेगा? ओनली बाय ए. सिर्फ ए अकेला बेयर करेगा, क्योंकि वो ए की गलती है. ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, भले ही फर्म के नेम से किया था, लेकिन वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, इसीलिए उसको ए ही बेयर करेगा. समझ में आया? नंबर टू. नंबर थ्री, ऐसा बहुत एग्जाम्पल्स है, धीरे धीरे अच्छे से समझेंगे. नंबर थ्री, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल होता क्या है, ए बी सी डी है, सब मिलके एक रियल इस्टेट का काम कर रहे हैं, रियल इस्टेट का काम कर रहे हैं, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म है इनका, पार्टनरशिप फर्म है इनका, ठीक है. अब होता क्या है, ए एक कॉन्ट्रैक्ट में आता है, कॉन्ट्रैक्ट में आता है, और कॉन्ट्रैक्ट में आके उसका नेम किसका है, इन द नेम ऑफ ए, ए का नाम से वो साइन करता है, नॉट फर्म, ठीक है. और वर्क क्या होता है, रियल इस्टेट का, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होता है, जो रियल इस्टेट का काम होता है वही ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है ना, यही काम होता है. नाउ टेल मी, अगर कोई लॉसेज आ जाए, अगर कोई लॉसेज आ जाए तो कौन इनकर करेगा, हु विल बेयर? कौन बेयर करेगा, ए या फिर ऑल, कौन बेयर करेगा? तो आपका आंसर होना चाहिए ए. क्यू क्यू ए, बिकॉज बिकॉज यहां पे फर्म के नेम से नहीं है, नॉट फर्म्स नेम, फर्म का नेम दिख रहा है क्या आपको? नहीं ना, ये ए अपने नाम से कर रखा है, तो इसीलिए लॉसेस भी वही बेयर करेगा, फर्म नहीं रिस्पॉन्सिबल है. समझ में आया? पॉइंट नंबर थ्री था ये. नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं एक और. अब सपोज फॉर एग्जाम्पल ए बी सी एंड डी है, ठीक है, ये आपका रियल इस्टेट का बिजनेस है, ठीक है, और ए ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया इन द नेम ऑफ ए, ए के नाम पे, और वर्क क्या था, नॉट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. तो अगर आपका लॉस हो जाता है तो कौन बेयर करेगा, हु विल बेयर द लॉस, कौन बेयर करेगा लॉस? तो लॉस आपका बेयर करेगा ए एंड ए अलोन, व्हाइल ए ही बेयर करेगा. क्यों? क्योंकि एक तो ए का नाम पे था और ऊपर से ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस भी नहीं था. तो क्या मैं ये बोल सकती हूं कि म्यूचुअल एजेंसी होने के लिए, एक शॉर्ट में अगर मैं एक लाइन लिखना चाहूं तो क्या मैं ये लिख सकती हूं, फॉर म्यूचुअल एजेंसी दो चीजें रख देखनी है. नंबर वन क्या देखना है कि इट्स इन द नेम ऑफ फर्म, फर्म के नाम पे होना चाहिए, और दूसरा कि द कॉन्ट्रैक्ट इज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर ये दोनों फुलफिल है, देन ऑल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विल बी बॉर्न बाय ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म. सारे पार्टनर्स, इरिस्पेक्टिव कोई पार्टनर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब नहीं है, सारे पार्टनर को मिल जाएगा, बात खत्म. समझ में आ गया आपको? ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट आपके म्यूचुअल एजेंसी में होने पड़ेंगे. क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो देखो यहां पे प्लीज क्या लिखा मैंने, तो इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल. सबको मिलकर कर रहे हैं, तो ये आपका जो है, ये सिर्फ यही देख के हम क्या करते हैं, दिस इज अ कंक्लूसिव एविडेंस. ये आपका कंक्लूसिव एक एविडेंस है जो प्रूव करता है कि हाँ, पार्टनरशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है. क्लियर? सिर्फ ये चीज. नेक्स्ट यहां देखो प्लीज, पर्सन हु हैव एंटर्ड इंटू अ पार्टनरशिप विथ वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर्स and collectively a firm, and the name under which their business is on
कैरिड ऑन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, इज कॉल्ड फर्म्स नेम. मेरी बात समझ में आ गई, उसको हम फर्म का नाम बोलते हैं. क्लियर, फर्म एंड इट इज नोन एज फर्म्स नेम. ये तो इजी है, ये तो कुछ भी नहीं था, समझ में आ गया. तो पार्टनरशिप होता क्या है, वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं. पार्टनरशिप होता क्या है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, पॉइंट नंबर वन. Who have agreed, point number two, agreed to share the profits of the business and which is carried on by all or any one of them acting for all. Clear? तो ये सारे points आपको अच्छे से समझा दिए मैंने. I hope आपको कोई भी दिक्कत नहीं है. Let's move on further. आगे क्या है, तो आगे जो essential elements को ही मैंने समझाया है, essential elements को ही समझाया है. तो यहाँ पे देखो, association of two or more person, मतलब two or more person क्या हो गया, एक artificial हो गया. आर्टिफिशियल भी हो सकता है एंड नेचुरल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, ठीक है ना, बट मस्ट हैव अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी. पार्टनरशिप फर्म हैज नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, माइनर के नॉट बी अ पार्टनर. अब ये वाला पॉइंट देखो प्लीज, माइनर आपका पार्टनर नहीं बन सकता. क्यों? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि एक माइनर आपका कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है क्या, जल्दी से बताइए. एक कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने के लिए क्या माइनर एलिजिबल है? नहीं ना. अगर माइनर एक कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता तो वो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकता है, लॉजिकली, राइट? तो अ माइनर के नॉट बिकम अ पार्टनर. क्लियर, अ माइनर आपका पार्टनर नहीं बन सकता, बट कैन बिकम अ बेनिफिशियरी. बट विद द कंसेंट ऑफ द पार्टनर्स ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. लेकिन पार्टनर्स के बेनिफिट कंसेंट के साथ वो क्या कर सकता है, वो बेनिफिट ले सकता है फर्म का. क्या ले सकता है? बेनिफिट्स वो ले सकता है. नेक्स्ट क्या है प्लीज देखो, नेक्स्ट क्या है, By all the persons concerned, it can either be oral or written. Very important to understand. अब मेरी बात सुनना. मैंने कहा agreement होनी चाहिए. तो मैंने क्या ये कहा था क्या कि agreement जो मैंने आपको समझाया था agreed वाला, तो मैंने कहा था क्या कि written ही होना चाहिए? नहीं ना. आपने बोल के अगर agreement किया है तो वो भी आपका मान लिया जाएगा. अग्रीमेंट कैन बी ओरल एंड रिटन ऑल्सो. ये आपका ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, ये आपका इम्प्लाइड भी हो सकता है, एक्सप्रेस्ड भी हो सकता है. पार्टनरशिप इज वॉलंटरीली एंड कॉन्ट्रैक्चुअल. ये आपको मैंने बताया कि एक वॉलंटरी होना चाहिए, मतलब कि इंसान खुद से चाहे तभी वो अग्रीमेंट में आए, नहीं तो वो नहीं आए. मतलब नॉट बाय बर्थ, नॉट बाय बर्थ नहीं होता ये, जैसे कि HUF में होता है, जैसे HUF में होता है वैसा यहाँ पे नहीं होता, ठीक है ना. इट इज क्रिएटेड बाय अग्रीमेंट एंड नॉट बाय स्टेटस. ये आपका अग्रीमेंट से क्रिएट होता है और स्टेटस से क्रिएट नहीं होता. जो मैंने आपको समझाया ना, वही चीज को यहाँ पे लिखा है, ठीक है. आई होप आपको समझ में आ रहा है. इनकेस यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो. इतना समझ में आया, लेट्स मूव ऑन फर्दर. आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, बिजनेस. अब बिजनेस मैंने क्या बोला, इंक्लूड्स एवरी ट्रेड ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन. मैंने बोला ना, प्रोफेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे कि कोई प्रोफेसर, जैसे कि कोई डॉक्टर, राइट. ये ऑक्यूपेशन क्या हो गया, जैसे हम टीचर्स हैं, हमारा ऑक्यूपेशन हो गया. ट्रेड क्या हो गया, जो बिजनेस करते हैं, राइट, जो बिजनेस करते हैं. तो बिजनेस, टीचर, डॉक्टर, कोई भी टाइप का अगर आप कर रहे हो, लेकिन मोटिव क्या होना चाहिए, एक्विजिशन ऑफ गेन्स. मतलब मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट, मोटिव होना चाहिए कि कुछ आप कमा रहे हो. बस सिर्फ यही देखना है कि बिजनेस कुछ भी हो चलेगा, लेकिन क्या उससे प्रॉफिट आ रहा है क्या, वो इंपॉर्टेंट है. क्लियर, इतना समझ में आया आपको. नेक्स्ट, अग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट. ये मैंने आपको बताया था असेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप है. अनलेस अदरवाइज अग्रीड, लॉसेज इज बॉर्न इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अनलेस अदरवाइज अग्रीड, मतलब अगर आपके अग्रीमेंट में स्पेसिफिकली लिखा है कि लॉस मैं ज्यादा बेयर करूंगा. सपोज मैं और आप अग्रीमेंट में आते हैं, मैंने कहा 60% लॉस मेरा, 40% तुम्हारा, 60% मेरा, 40% तुम्हारा, तो हो सकता है, दैट इज पॉसिबल. अनलेस अदरवाइज अग्रीड, अगर अग्रीड अलग से कुछ बात लिखा हुआ है तो अलग बात है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, वरना अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो लॉसेस भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बटेंगे. जितना प्रॉफिट तुम कमाते हो उतना ही तुम्हारा लॉसेस भी रहेगा. क्लियर, ये समझ में आया. और म्यूचुअल एजेंसी में चलते हैं. म्यूचुअल एजेंसी में आपको मैंने समझा दिया, म्यूचुअल एजेंसी का पूरा पार्ट समझा दिया, लिखाया है मैंने, नोट्स भी लिखा है, आपको मिल जाएंगे. उसी को मैं थोड़ा सा और एक केस स्टडी से समझाती हूँ. केडी कामनाथ एंड कंपनी. केडी कामनाथ एंड कंपनी में क्या हुआ था, ये लोग एक बहुत ग्रुप में एक कंपनी, एक पार्टनरशिप फर्म इन लोगों ने स्टार्ट किया था. क्या किया था, एक पार्टनरशिप फर्म इन लोगों ने स्टार्ट किया था.
जहां पे ये डिसाइड किया गया था, क्या डिसाइड किया गया था प्लीज देखना, म्यूचुअल एजेंसी में क्या हुआ था, केडी कामनाथ में हुआ क्या था सुनना, यहां पे ये सारे मिलके देयर वाज अ पार्टनरशिप, एक एसोसिएशन फॉर्म किया गया था, एक पार्टनरशिप फॉर्म किया गया था। इस पार्टनरशिप में बहुत सारे लोग थे अराउंड, तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि केडी कामनाथ, सब मिलके ये लोग ने डिसाइड किया कि केडी कामनाथ will be responsible for all the banking transactions. सारे banking transactions कौन करेगा, केडी कामनाथ करेगा, ठीक है ना। सारे borrow, जितने भी borrow करने के loan वाले transactions कौन देखेगा, केडी कामनाथ देखेगा। मेरी बात समझ में आ गई, ये इन लोगों ने decide किया था partnership में। अब मेरे को एक बात बताओ, अब ये case court में गया था कि is it a partnership, केस कोर्ट में गया था ऑन इट्स वैलिडिटी कि इज इट अ पार्टनरशिप, क्या ये पार्टनरशिप है क्या, क्योंकि सारे काम, सारे मेन पावर्स, बिकॉज ऑल पावर्स लाइड इन द हैंड्स ऑफ किसके हैंड्स में था, केडी कामनाथ के हैंड्स में था। तो लॉ में क्वेश्चन आया कि क्या ये पार्टनरशिप है, बिकॉज बाकी के पार्टनर्स को कोई पावर नहीं मिल रहा था। तो लॉ ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा पार्टनरशिप डिसाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि टू अंडरस्टैंड कि ये पार्टनरशिप फॉर्म है या नहीं है, टू टेस्ट द थ्योरी ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप थ्योरी का टेस्ट करने के लिए हमको मेन चीज क्या देखना है, हमको मेन चीज देखना है, टू टेस्ट द थ्योरी ऑफ पार्टनरशिप वी नीड टू सी म्यूचुअल एजेंसी, हमको म्यूचुअल एजेंसी देखना है, क्या देखना है, म्यूचुअल एजेंसी देखना है। हम इस बेसिस पे ये डिसाइड नहीं कर सकते कि बाकी पार्टनर्स के पास पावर है या नहीं है, हम इस बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकते, हमको ये देखना है कि क्या वहां पे एक म्यूचुअली एजेंसी है या नहीं है। अगर मतलब पावर्स क्या, मतलब ये वाला पावर दूसरे के पास नहीं है, दैट इज ऑल राइट, लेकिन क्या एक म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट करता है क्या, इज ऑल द आर ऑल द पार्टनर्स एंड एजेंट ऑफ ईच अदर, आर ऑल पार्टनर्स एजेंट ऑफ ईच अदर, एजेंट ऑफ ईच अदर, ईच अदर एक ये, और दूसरा क्या अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट है क्या, अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स, ये दो अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं कंडीशन, तो हम इसको पार्टनरशिप फॉर्म कहेंगे, रेस्ट ऑफ द थिंग्स डजंट मैटर। मेरी बात समझ में आ गई, क्या ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, यस एग्जिस्ट करते हैं, तो हम इसको पार्टनरशिप फॉर्म कहेंगे। तो प्लीज यहां देखो, यहां देखो प्लीज, तो दो चीज डिसाइड हुआ था, कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ, एन एक्ट डन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म इज एन एक्ट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो हम यहां पे म्यूचुअल एजेंसी देखेंगे, ये म्यूचुअल एजेंसी जो है ये आपका कार्डिनल प्रिंसिपल है, क्या है, कार्डिनल प्रिंसिपल है। हम देखेंगे कि क्या म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट करता है इनके बीच में, हाँ करता है, तो फिर ये आपका पार्टनरशिप है। और क्या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हुआ है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस है क्या, हाँ है, तो भी ये दोनों का कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका क्या बन जाएगा, पार्टनरशिप फॉर्म बन जाएगा, हम और कुछ चीजें नहीं देखेंगे। मेरी बात समझ में आ गई, तो इसीलिए मैंने आपको कहा म्यूचुअल एजेंसी से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, अ लॉट ऑफ टाइम्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। लेट्स मूव ऑन फर्दर नाउ, आगे बढ़ते हैं, अब आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप अगर हो सके तो प्लीज आंसर देने की कोशिश करना, अगर आपको डाउट्स है इस क्वेश्चंस में तो आप मुझे बताना। एक्स है आपका 20 इयर्स ऑफ एज, वाई है 18, जेड है ऑफ 17, अग्रीज टू एंटर इनटू अ पार्टनरशिप एंड शेयर द प्रॉफिट्स, कैन दे डू सो, कैन दे एंटर इनटू अ पार्टनरशिप एंड शेयर द प्रॉफिट्स, कर सकता है क्या। तो देखो आपका एक्स एंड वाई कैन फॉर्म अ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म कर सकता है, राइट, लेकिन क्या जेड कर सकता है क्या, जेड माइनर है, तो ये नॉट अ पार्टनर, ये आपका पार्टनर नहीं बन सकता, बट कैन बी द बेनिफिशियरी इफ बाकी के पार्टनर्स अग्री करते हैं, तो बेनिफिशियरी बन सकता है ना, समझ में आया आपको, चलो बहुत अच्छे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मेजर पर्सन
10 major person form an association to which each member contributes 10,000. The purpose is to produce medicines for free and distribute to poor patients. Is there a valid partnership? अब आप बताओ, 10 लोग मिलके क्या करते हैं, एक साथ एसोसिएशन बनाते हैं और बोलते हैं हम मेडिसिन को देंगे, राइट? तो सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पे दो से ज्यादा लोग तो है, हाँ है, क्या यहाँ पे कोई बिजनेस है क्या? क्या यहाँ पे कोई बिजनेस है क्या? क्या यहाँ पे उस बिजनेस में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स हो रहा है क्या? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स हो रहा है क्या? नहीं. तो इसीलिए नॉट अ पार्टनरशिप फर्म. ये आपका पार्टनरशिप फर्म नहीं है. मेरी बात समझ में आ गई? नॉट अ पार्टनरशिप फर्म. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये तीन और करते हैं फिर आज का क्लास हम एंड करेंगे. कैन अ पार्टनरशिप फर्म एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद अनदर पार्टनरशिप फर्म? हमने अभी क्वेश्चन किया था, क्या एक पार्टनरशिप फर्म दूसरे पार्टनरशिप फर्म के साथ कर सकता है क्या पार्टनरशिप? नो. वाई? क्योंकि इसका सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है ही नहीं. ये अलग से एक आर्टिफिशियल पर्सन ही नहीं है. नॉट अ पर्सन. ये एक पर्सन ही कंसिडर नहीं किया गया है. कैन द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म एंटर इनटू द पार्टनरशिप विद द पार्टनर्स ऑफ अनदर फर्म? यस, ये आपका हो सकता है. बिकॉज पार्टनर्स आपका इंडिविजुअल है जिसका एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है और ये एक नेचुरल पर्सन है. क्या है? नेचुरल पर्सन है. क्लियर? नेक्स्ट, माइनर क्या है? वन पार्टनर माइनर. प्लीज यहां देखो, वन पार्टनर माइनर है, वन पार्टनर वन माइनर मतलब वन मेजर है. क्या अलाउ कर सकते हैं क्या? नो, नॉट अ पार्टनरशिप. टू पार्टनर्स आर माइनर, ये भी नो, नॉट अ पार्टनरशिप. क्योंकि आपको दो इंसान तो चाहिए ना पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए. अगर एक मेजर है और एक माइनर है तो भी पार्टनरशिप नहीं हो सकता, और अगर आपका दोनों पार्टनर्स ही माइनर है तो भी आपका पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हो सकता. समझ में आया आपको? आई होप आपको यहां तक अभी तक जितना भी मैंने समझाया है वो आपको समझ में आया होगा. आगे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे और भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें और समझानी है, बहुत सारे केस स्टडीज और समझाने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस और हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे फॉर दिस यूनिट वन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वट एवर आई हैव टॉट यू टुडे. इन केस यू लाइक द क्लास प्लीज डू गिव अ थम्स अप. और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो. अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज ज्वाइन द चैनल जहां पे आपको नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे. थैंक यू सो मच एवरीवन. इट वॉज वेरी नाइस हैविंग यू ऑल. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.